दोस्तों साउथ अमेरिका से साउथ ईस्ट एशिया जाने वाली एक भी फ्लाइट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज से 100 साल पहले ब्राज़ील दुनिया का 90% रबर अकेले सप्लाई करता था, लेकिन फिर वहाँ एक बीमारी फैली, रबर टी ब्लाइट, जिसके बाद उसने वहाँ पूरी रबर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद एशिया दुनिया का नंबर 1 रबर सप्लाई बन गया। लेकिन ये फंगस एशिया तक क्यों नहीं पहुँचा? तो दोस्तों इसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो अगर सी रूट से ये आता तो 1 दिन से ज़्यादा लग जाता, इतने में फंगस रास्ते में ही मर जाता। लेकिन फ़्लाइट से कहीं भी जल्दी पहुंचा जा सकता है, इसलिए साउथ अमेरिका से साउथ ईस्ट एशिया कोई भी फ़्लाइट नहीं जाती, ताकि ज़्यादा टाइम लगे और फंगस रास्ते में ही मर जाए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं।